नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अनिमेश की दुनिया पर। डेट विद फैक्ट की इस वीडियो सीरीज में मैं आपके सामने फिर आया हूँ। आज की डेट है 27 अप्रैल। 27 अप्रैल में वर्ल्ड हिस्ट्री में दो इम्पोर्टेंट इवेंट हुए थे। पहला इवेंट 2005 में हुआ, जब दुनिया में सबसे बड़ा यात्री विमान ने पहली बार फ्रांस के ब्लैक नेक से उड़ान भरी। इस विमान का नाम है एयरबस 380। इसकी लंबाई है 72.7 मीटर, लमसम 10 मंजिला इमारत के बराबर, और इसकी ऊंचाई थी 24 मीटर। इसमें टोटल 469 यात्रियों ने सफ़र किया और ये फ्रांस से उड़ान भरी थी इसने। दूसरा इम्पॉर्टेंट इवेंट हुआ 1880 में, जब फ्रांसिस डी क्लार एम जी फॉस्टर ने डेफ लोगों के लिए जो डिवाइस आती है जिनसे वो सुनने की क्षमता बढ़ जाती है, उसका पेटेंट हासिल किया। इस डिवाइस का नाम था इलेक्ट्रिकल डिवाइस टू हेल्प द डेफ ईयर। इसका पेटेंट उन्होंने हासिल किया और ये अमेरिकी आविष्कारक थे, अमेरिकी साइंटिस्ट थे। ऐसे ही इम्पॉर्टेंट डेट और फैक्ट से जुड़ी हुई जानकारी प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मुझे मोटिवेट करते रहें। थैंक यू।